ये व्हाइट पेपर से बनाना है हमको। व्हाइट पेपर से बना लीजिए, अखबार का बना लीजिए, किसी का भी बना लीजिए। ओके कितने बनाने हैं? दो। हेलो रती जी। हाँ जी। हाँ जी शुरू करें। हाँ जी एक मिनट स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी मैं सबको म्यूट पे कर रही हूँ और फिर बाद में अनम्यूट कर दूंगी, जिसका कुछ क्वेश्चंस होंगे वो पूछ लेंगे, कुछ क्वेरीज होंगे तो। ठीक है हाँ जी एक मिनट रुकिए। हाँ जी उमा जी अब आप अपना सेशन स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। ठीक है ठीक है। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो। हाँ उमा जी मैंने सबको म्यूट किया हुआ है। अच्छा अच्छा तो ओके ओके। हेलो एवरीवन, मैं उमा अग्रवाल आशा नागन भिवाड़ी से। आज का सेशन का विषय है मेरा, मैं फैन बनाने वाली हूँ क्राफ्ट पेपर से, तो वो मैं आपको सबको बताऊंगी। मेरी सबको नमस्ते। और मैं आशानम मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे लिए ये सेशन अरेंज किए हैं और हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिल रहा है, एक दूसरे से सीखने सिखाने का मौका मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और अब मैं आपको आप सेशन की तरफ चलते हैं। सेशन मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है फैन। मैं आपको व्हाइट पेपर पे बता रही हूँ खाली काटने के लिए, बाकी मैंने कलर्ड पेपर से बनाया है, ये बना रही हूँ कलर्ड पेपर से। ये हमारा पेपर है, इसको हम स्क्वायर काट लेंगे। इस तरह से मोड़ के। आवाज आ रही है रदी जी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके। इस तरह से मोड़ के पेपर को स्क्वायर काट लेंगे इसको। ये देखिए ये मैंने काट लिया है, अब इसको हम फोल्ड करेंगे। एक फोल्ड करेंगे इसको, फिर दूसरा फोल्ड करेंगे। ठीक है अब इसको खोल के हम, ये मैंने जैसे किया हुआ है ये छोटा छोटा, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसको। ये इस तरह से फोल्ड करेंगे हम, मैं करके बताती हूँ आपको। एक बार इस तरफ मोड़ेंगे, एक बार दूसरी तरफ से मोड़ेंगे इसको।
ये देखिए इस तरह से मैंने मोड़ लिया इसे। ये हम ऐसे दो पेपर तैयार करेंगे, दो पेपर तैयार करने हैं हमें ऐसे। मैंने ऑरेंज कलर का और ग्रीन कलर का लिया है। ये मैंने थोड़ा पहले प्रिपेयर करके रखा हुआ था क्योंकि टाइम लगता है इसको मोड़ने में। अब इसके ऊपर हम इसको डेकोरेशन करने के लिए ना स्ट्रिप चिपकाएंगे इसको कलरफुल बनाने के लिए। ये देखिए मेरे पास टेप है कलरफुल, हम टेप भी लगा सकते हैं। मैं इसमें गोल्डन और ग्रीन टेप लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें गोल्डन लगा ली, अब मैं एक टेप और लगाऊंगी इसमें, ये ग्रीन लगा ली, गोल्डन और लगाऊंगी। एक मिनट जरा,
मैं दूसरी साइड भी ऐसी टेप चिपका रही हूँ। मैं एक बार अनम्यूट कर देती हूँ, किसी को यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो कोई पूछ लेगा। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। उमा जी, आपने दो पेपर काटे, दोनों को शायद एक साथ चिपका दिया है क्या? नहीं नहीं, नहीं अलग अलग है। ये मैंने दो दो पेपर काटे हैं तो मैं इनको साइडों में चिपकाऊंगी। एक मैंने बीच का पूरा लिया है, इस बार पेपर काटे हैं मैंने और ये हाफ हाफ कर दिए उसको इस बार के ही। ओके, एक मिनट, ये मैंने हाफ हाफ कर दिए दोनों को, तो साइड में चिपकाऊंगी। हेलो उमा जी, एक बार स्टार्टिंग से बता देंगे प्लीज? एक बार स्टार्टिंग बता देंगे? यस यस, थैंक यू। ये देखिए पेपर लिया मैंने, हाँ जी, तो मोड़ के स्क्वायर काट लिया, ठीक है। इसको स्क्वायर काटने के बाद ये हमारा एक कुछ ऐसा दिखाई देगा पेपर हमारा। इसको मैंने मोड़ा है, फिर ये स्ट्रिप मोड़ी है इसकी, इस तरह से करके। ये इस तरह से स्ट्रिप मोड़ी है मैंने इसकी। ये आ गया समझ में? जी आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। अच्छा, एक मिनट, जरा टेप कहीं गिर गई है इधर। अब मैं दूसरी साइड भी टेप चिपका रही हूँ इसमें। ये देखिए मैंने दोनों साइड टेप लगा ली है इसमें। जो एक्स्ट्रा इसको हम काट देंगे। ऐसे हम इसमें भी चिपका लेंगे।
ये देखिए इसे मैं दूसरी साइड भी चिपका रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें दोनों साइड टेप चिपका ली है, इसमें भी जो एक्स्ट्रा है इसको हम काट देंगे। इतना समझ में आ गया सबको? किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। ये देखिए हमने ये टेप चिपका ली है इसमें। रति जी अनम्यूट कर दीजिए एक बार। हाँ जी अनम्यूट पे है सर। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, पूछ लीजिए। हेलो मांटी। हाँ जी आंटी, मैंने ना देखिए एक बार ये एक सेकंड में दिखा रही हूँ। ये एक पीस, हाँ हेलो आंटी, देखिए एक तो ये पीस मेरा बनाया है मैंने, दिखाओ। ये हाँ ठीक है, और अब इसमें से बना रही हूँ, तो इसमें से इतना लंबे दो एक जैसे निकाल लूँ? हाँ एक जैसे निकाल लो, चाहे तुम दो पीस भी ले सकती थी, नहीं तो बराबर और इसके मतलब एक तो हमने स्क्वायर लेना है। अच्छा दो पीस स्क्वायर लेने हैं, तो मैंने दो पीस को स्क्वायर में, एक तो सेंटर में रखा है और जो एक दूसरा स्क्वायर था उसको साइडों में लगा रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मतलब हम दो एक साइज के और एक अलग साइज कैसे रखना है? हाँ, दो कलर के लगा रही हूँ ना, इसलिए मैंने इनको, फिर तुम दूसरा ऐसा काट के ना उनको आधा आधा कर दो, हाफ हाफ कर दो दोनों साइड। ठीक है आंटी, ठीक है ओके आंटी। और फिर इनको हम चिपका रहे हैं अब इसमें। ओके ओके ओके
आप उसमें तो देखती रहो, उसमें देखती रहो। ये छोटा तो है, क्या क्या ये काम है बराबर, उससे कम ही तो लेना है, कह तो रही है दो एक जैसे साइज का। तीनों पीस ही स्क्वायर लेने हैं। नहीं, तीनों स्क्वायर नहीं लेने, दो स्क्वायर लेने हैं। दो साइड में अगर एक कलर का बना रही है तो आप दोनों को स्क्वायर रहने दीजिए, और यदि दो कलर का बना रही है तो मैंने एक बीच में लगाया है और एक स्क्वायर काट के हाफ हाफ दोनों साइड लगा रही हूँ मैं। तो स्क्वायर कौन सा लिया, साइड वाला लिया या बीच वाला? बीच वाला, बीच वाला स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर काटा था, इसके मैंने दो पीस कर दिए। स्क्वायर ही काटा था तो हाँ, दोनों स्क्वायर ही काटने हैं, एक बीच में लगाना है और एक को दो का दो पीस करके दोनों साइड लगाना है। अच्छा, लेने स्क्वायर ही हैं। हाँ, तो एक ही कलर के हैं तो एक ही कलर के आप बराबर में लगा दीजिए। एक ही कलर के चाहिए, एक छोटा है ना, पूरा ही तो है। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से लगा दिए दोनों साइड। अब जो मैंने इसकी स्ट्रिप मोड़ी है उनको इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, इतना एक तरह से इकट्ठा कर लिया मैंने इसको। इसको ऐसे मोड़ देंगे। ये देखो, इस तरह से मोड़ देंगे हम। इसमें हमें थ्रेड लेके उससे बांधना है इसको, बीच में से सेंटर में बिल्कुल। Thank you.
ये देखो इस तरह से मैंने बांध दिया इसको बीच में से। रेड कलर का धागा लाना मुझे एक बार। मैंने ये डोरी देखी आंटी, क्या हमें नॉर्मल थ्रेड से बांध रहा है ना अभी? हाँ हाँ नॉर्मल थ्रेड से बांधना है। ठीक ठीक है आंटी, ठीक है। इसको ऊपर से बस बराबर कर लेना। ठीक है आंटी। क्या बीच में से पेस्ट करना है ये? हाँ पेस्ट करना है, ये दोनों हमने जो मोड़ा है ना वो बीच में से पेस्ट करना है। ठीक है सेंटर में से। कागज ले आओ, पेपर से काटो। ये तुम्हारे लिए लाए हैं भी क्या? ये देखिए हमने ये मोड़ ये चिपका लिया बीच में से। अब इसकी हम स्टिक बनाएंगे पेपर की। अगर हमारे पास आइसक्रीम स्टिक है तो वो भी चिपका सकते हैं इसमें इस तरह से, ऐसे चिपका सकते हैं। सिर्फ एक लगानी है आंटी? दोनों साइड लगानी है ना दो। अच्छा। आइसक्रीम स्टिक आइसक्रीम और अगर किसी के पास स्टिक नहीं है तो पेपर की बना सकते हैं हम। हाँ ये वाली नहीं, ये वाली नहीं। ये देखो इस तरह से बना सकते हैं हम, इनको भी चपटी कर लेंगे। फैन के अकॉर्डिंग बनानी है लंबी? कितनी लंबी बनानी है इसकी? हाँ फैन के अकॉर्डिंग बनानी है, जितना हमारे ये है ना थोड़ी लंबी बनानी है, पकड़ने के लिए भी चाहिए ना। पंखा है ना, हैंड फैन है। Thank you.
ये हमने बना लिए दो। अभी ऑरेंज पेपर लेके जिस कलर का हमने ये फैन बनाया है उसी कलर का पेपर लेके इनको हम कवर कर लेंगे। उमा जी ये तीनों पेपर जो है इनको फेविकोल से ही जोड़ेंगे। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी फेविकोल से चिपक जाएंगे। भावना जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ये देखिए हमने ऑरेंज कलर के पेपर से कवर कर लिए हैं। ये ये देखिए हमारी साइड की जो ये स्ट्रिप है इससे हम इसको चिपकाएंगे यहाँ पे ऐसे दोनों साइड। और पहले हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं टेप चिपका के। गोल्डन कलर की टेप लगा रही हूँ मैं इसमें। ये देखिए इस तरह से मैं टेप लगा रही हूँ इसमें। इसको डेकोरेट करने के लिए
ये देखिए, इसको हमको टेढ़ा लगाना शुरू करेंगे इस तरह से, और हम इस तरह से इसको लगाते चले जाएंगे। ये देखिए मैंने दोनों तैयार कर लिए। थोड़ा सूखने में टाइम लगेगा इसको। देखो इस तरह से लगानी है ऐसे।
रति मेरा बन गया, एक बार दिखा देंगी उमा जी को? हाँ जी, एक ये देखिए, एक आप दिखा दीजिए एक बार सबको। हाँ जी, ये देखिए, इसको हम ऐसे बंद करेंगे और इसको ऐसे खोलेंगे हम। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। मुझे दिखाना था अपना, अभी रति दिखाएंगी जी। इसको हम बीच में और ब्लैक स्केच पेन से भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने बीच में कागज का छोटा सा फूल काट के लगा दिया है। हाँ हाँ, वो भी लगा सकते हैं वो, क्योंकि धागा दिख रहा है। ये देखिए, ओह वेरी नाइस, ये हवा भी मस्त कर रहा है एकदम। हाँ बिल्कुल, हवा मस्त कर रहा है। मैंने इसमें यहाँ पे धागा दिख रहा था, मैंने यहाँ पे वो भी लगा दिया है फ्लावर। मेरे पास शेप नहीं था लगाने के लिए ना साइड में, तो मैंने प्लेन कागज का ही बनाया है। वेरी नाइस शोभना जी, थैंक यू। ये जैसे मैंने फूल बनाए हुए हैं, इसको मैं चिपका रही हूँ बीच में। ये देखिए, आई थिंक ज्योति जी का भी कंप्लीट हो गया है। इसको हम अपने पर्स में रख के कहीं भी बाहर जाते हैं तो ले जा सकते हैं अपने साथ। बहुत अच्छी चीज बनवाना सिखाया है आपने, एकदम मस्त। हाँ, बहुत अच्छा बनाया है। वेरी नाइस। ये ना थोड़ा बराबर करो, यहाँ से ऊंचा नीचा हो रहा है, ये आवाज नहीं आ रही। बीच में धागा ठीक से नहीं बंधा है उनका, ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा सा। धागा ठीक से नहीं बंधा है, अभी मैं उसको ठीक करूंगी। ये नीचे से एक्यूरेट होना चाहिए बिल्कुल। हाँ, वो करूंगी अभी। तो मेरे कुछ खाने को दो, क्या सब है ना, दिखाना क्या 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 है इसमें। सबको समझ आ गया? आप ऐसे ही रखिएगा, जिन लोगों को देखना है वो एक बार देख लेंगे कैसे बने उनको। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा डेकोरेट और कर रही हूँ। मैम मेरा भी दिखा दीजिए, इसको ऐसा करके डेकोरेट भी कर सकते हैं हम। मैम मेरा भी दिखा दीजिए। रति जी मेरा भी दिखा दीजिए। रति मेरा भी दिखा दीजिए, सीखा। हाँ मेरा भी हो गया बबीता का। रति, रति कल्पना, रति मैम मेरा दिखाइए। सुरभि, रति मेरा दिखा दीजिए अपना। जी, एक मिनट। मैम मीनाक्षी भारद्वाज का दिखा दीजिए। मैम एक सेकंड, मैं एक एक करके दिखा रही हूँ सबको। कल्पना सिंह भी दिखाइए। सुनी जी, नाइस, थैंक यू। रति जी मेरा दिखा दीजिए अपना। हाँ जी, एक बार। रति कल्पना, हाँ जी कल्पना जी, एक मिनट।
मेरा भी हो गया। हेलो भाई अर्चना जी, रति जी, बबीता जी, एक मिनट बबीता जी। तूने तो टेप भी लगाया है, तेरे पास टेप थे? हाँ जी, कलर टेप थे मेरे पास। ये जैसे आपका ऊपर नीचे हो रहा है ना थोड़ा सा? हाँ जी हाँ जी हाँ, इसको थोड़ा बराबर करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चीज के बीच में नहीं बंधा है। आंटी आपका बहुत अच्छा बना है। थैंक यू उमा आंटी, मेरा देखना एक बार। हाँ जी दिखाइए। रति मैम मेरा भी दिखा दीजिए। नाम बताइए मैम। मीनाक्षी भारद्वाज। हेलो किरण। अच्छा कल्पना जी है। बहुत अच्छा बना है आंटी आपका। दिखाइए मीनाक्षी जी। हाँ रति जी, बबीता आपने इसको जो ये स्ट्रिंग मोड़ी है ना इसकी? हाँ। बराबर नहीं मुड़ी है, थोड़ी ऊंची, देखो ऊपर से भी ऊंचा नीचा हो रहा है थोड़ा। अच्छा, इसको चिपकाते समय ध्यान रखिए कि ऊंचा नीचा ना हो, इस तो ज्यादा अच्छा सुंदर लगेगा। नीचे से आपका ऊंचा नीचा हो रहा है ये। रति मैम एक बार मेरा दिखा दीजिए विभाजय। एक मिनट दिखाइए बबीता जी। हम दिखा रही हूँ। आज बना नहीं रही हो क्या? रति मैम आप दिखाइए, मैंने फ्लावर लगा दिया सुरभि। आंटी। हाँ जी मेरा देखो। लाओ दिखाओ बेटा। हाँ अच्छा बना है। एक बार पूनम सिंह का दिखाना है, उसको कुछ पूछना है। हाँ जी बताइए। हाँ मेरे को पूछना है कुछ। ये जैसे ये बनाया ना, तो अब इसमें क्या करना है? ये बीच में ये वाली लगानी है यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, बाहर की साइड लगानी है ये बाहर की साइड इधर। हाँ हाँ, ये बीच में से चिपका दीजिए ना इसको, बीच में से। अच्छा, इनको इधर से फेविकोल से चिपका दो। हाँ जी। और ये जो छोटी है आपकी, छोटी पड़ रही है ये, तो आप कागज की बना लीजिए, पेपर की। और नहीं, वो जो पेपर की लंबी बनाई वो कहाँ लगाएंगे, ये वाली? हाँ तो ये चिपका दीजिए, इनको कवर कर लीजिए, चाहे ऐसे चिपका दीजिए। मैंने जरा टेप लगा दिया ना कवर करके इसको। हाँ इसको मेरा दिखा दीजिए। बानी थोड़ा सा लंबा होना चाहिए इसे, इसे फैन से। ये देखिए, इनको साइड में लगाना है, बाहर की साइड। हाँ जी हाँ जी। और बीच में से चिपका दो इसको। और बीच में से चिपकाना है फेविकोल से? हाँ जी हाँ जी, बीच में से। मैम मेरा दिखा दो विभाग का। एक मिनट मैम। हाँ अच्छा बना है विभाग जी, अच्छा बना है। बस थोड़ा सा यही है कि ऊंचा नीचा है आपका भी, इसको बराबर, मतलब थोड़ा सा। हाँ आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, आपका एक्यूरेट है बिल्कुल। हाँ अच्छा बना है आपका, बहुत अच्छा बना। हाँ जी बहुत अच्छा बना है। का दिखा रही हूँ मैम, मेरा दिखा दीजिए। बानी अच्छा बना है आपका। रति जी मेरा दिखा दीजिए ना बबीता का। बबीता जी आपका नाम ही नहीं आ रहा अब तो, रेडमी से भी नहीं आ रहा। हाँ जी अच्छा बनाया आपका, अच्छा है बिल्कुल, बहुत अच्छा है। नाम तो रेडमी में ही है मेरा, वानी डे आ रहा है इसमें। नहीं बानी जी का तो अलग है, इनका बबीता जी का अलग है। अच्छा बना है वानी जी आपका भी। थैंक यू थैंक यू। बबीता जी आपका रेडमी के नाम से नहीं आ रहा, रेडमी के नाम से शालू जी का आ रहा है। हाँ रेडमी शालू और बबीता दोनों हुए रेडमी। हाँ तो रेडमी एक ही आ रहा है आज, शालू जी का ही आ रहा है, आपका नहीं आ रहा। अरे ऐसा कैसे हो गया? आपने अपना अभी तक चेंज नहीं किया ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कौन नहीं जा रहा क्या? किसी को कुछ पूछना है तो आप बताना मुझे कैसे करना। ठीक है मैं सेशन के बाद आपको बता दूंगी। ठीक है ओके थैंक यू। चलिए मैं एक और बनाती हूँ। रति जी मेरा दिखा दीजिए प्लीज। दिखा रही हूँ कविता जी, एक मिनट। ये देखिए मैंने पेपर लिया है ऐसे लंबा। उमा जी एक मिनट रुकिए। Thank you.
रति जी मेरा दिखा दीजिए शिखा का। उमा जी मेरी कैसी बनी? हाँ जी अच्छा बनाया आपका भी, ठीक है ओके थैंक यू रति। रखिएगा सब जी जिसने बनाए ना सब अपने पर्स में रखिएगा, हम लोग घर से बाहर जाते हैं तो उससे हवा करने का काम आएगा हमारे। ओके बनाया आपका भी अच्छा बनाया रति मेरा अच्छा बनाया। प्रीति साहू दिखा रही हूँ प्रीति जी एक और बना रही हूँ आपका गैप आ रहा है बीच में से काफी हाँ उमा जी स्टार्ट कीजिए। हाँ जी मैं भी जाऊंगी पूरा मैंने दो पेपर की एक जैसे की, आप अलग अलग कलर के बना सकते हैं, इनको मैं बीच में ऐसे चिपकाऊंगी। उमा आंटी एक बार मेरा देखिएगा। हाँ जी दिखाओ भावना अभी चिपका नहीं है। हेलो हाँ दिखाओ भावना। हेलो हेलो हाँ जी आंटी दिख रहे दिखा दीजिए मैंने अब सही कर लिया अपना। हाँ 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 ठीक है हाँ अच्छा है इसमें ठीक है थैंक यू अच्छा है। ये देखो मैंने आपस में चिपका दिए हैं दोनों बिजली का मैं समझ गया। हाँ देखिए ये मैंने दो पेपर का ये स्टिप बनाई थी इसकी और ये इसको चिपका दिया मैंने आपस में।
हाँ देखिए इसमें भी मैं टेप लगा रही हूँ इसको डेकोरेट करने के लिए। ये देखिए वो जैसे मैंने डंडी बनाई थी ना उसकी, ये मैंने कागज की बनाई थी पेपर की, ये मैंने गत्ते की बनाई है। ये हमारे बेडशीट वगैरह में गत्ते आते हैं ना मोटे वाले। हेलो हेलो रति जी आवाज आ रही है मेरी? आपकी आ रही है, मैंने सबको म्यूट पे किया हुआ है, हम सुन सकते हैं आपको, आप बताइए। अच्छा, ये जो मेरा मैंने गत्ते की स्ट्रिप काटी है, अब वो तीन स्ट्रिप चिपका के इसको मोटा सा बना लिया है थोड़ा ये, और इसको पेपर से कवर कर दिया, फिर टेप से डेकोरेट कर दिया इसको। अब इसको हम इस तरह से यहाँ चिपका देंगे इस तरह से, ये सोनिया को फोन करके देखना, वो है नहीं है, सोनिया को सेशन अटेंड किया उसने किया? हाँ लिंक भेज रखा उसको। ये देखिए अभी मैंने कुछ फ्लावर बना के रखे हुए हैं, ये मैं चिपका रही हूँ इसमें। अच्छा Thank you.
ये देखिए थोड़ा अभी सूखने में टाइम लगेगा इसको। तो वैसे हवा कर सकते हैं इस तरह से। रति जी मेरा दिखा दीजिए एक बार। पूनम सिंह अभी कंप्लीट हो गया। अगर इस डंडी को हम थोड़ा सा लंबा रखेंगे तो आई थिंक डंडी को पकड़ के भी हवा कर सकते हैं। हाँ हाँ डंडी को पकड़ के हवा कर सकते हैं। डंडी लंबी भी रख सकते हैं। इससे हम यहाँ पे भी फूल चिपका सकते हैं इसके बाहर कॉर्नर की साइड में। आप सही हो गया। प्रति कल्पना का दिखा दो। हाँ जी हाँ जी दिख रहा है। मैं देख रही हूँ। हाँ जी हाँ जी अच्छा बनाया है। कल्पना हाँ जी बिल्कुल बहुत बढ़िया। भावना का दिखा दीजिए। ये जो आपने जो फूल लगाए ना यहाँ पे जैसे मैंने लगाए हैं इस जगह यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इस साइड भी बाहर की साइड भी। अच्छा अच्छा ठीक है। डेकोरेट कर सकते हैं जैसे मर्जी। ओके ओके ठीक है। मेरा भी दिखा दीजिए। आंटी मैंने थोड़ा छोटा सा बनाया देखिएगा। हाँ हाँ बहुत अच्छा बनाया भावना। इसको चिपका दो अच्छे से थोड़ा टाइम लगेगा चिपकने। हाँ वो अभी गीला है और ये मैंने इसके ऊपर फ्लावर लगा दिया है देखिए। अच्छा बनाया। ओके थैंक यू आंटी। हाँ दोनों अच्छे बने भावना। थैंक यू आंटी। अब आप एक काम कीजिए जिन जिन ने बना लिए ना वो सब लोग अपने हाथ में ले लीजिए और एक ही बार दिखा दीजिए ठीक है। मैं पिक्चर भी क्लिक कर लूंगी और उमा जी देख भी लेगी। अपना ऑन तो करो। सब लोग ले लीजिए अपने हाथ में जिनका कंप्लीट हो गया है। वेरी नाइस। आंटी मेरा देखिए। हाँ दिखाइए। दिशा दिखाइए। आंटी वो आपने बोला था ना चिपकाने के लिए ठीक से तो उससे मैं गीला था तो मैंने फिर से चिपका दिया है देख लीजिए। उमा जी मेरा देखिए। बबीता मुझे नजर नहीं आ रहा है। रति जी एक मिनट। बबीता जी एक मिनट। आंटी नाइस सेशन बहुत अच्छा लगा। आंटी मेरा देख लीजिए। हाँ अभी दिखा रही है वो। बबीता जी आपका नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है मेरा दिखला दीजिए। मीनाक्षी का नाम बताइए मैम। मीनाक्षी भारद्वाज। आंटी वो आपने डंडी ठीक करने के लिए बोला था ना स्पीक इसकी अंदर से तो मैंने फिर से चिपका दिया। अच्छा अच्छा वो समय गीला था। हाँ जी हाँ जी थोड़ा सूखने में टाइम लगता है। हाँ जी तो मैंने फिर से उसको अंदर की तरफ डाल करके फिर से स्टिक कर दिया है। और ये हाफ वाला जो अभी बनाया है उसे देख लीजिए। अभी मैंने एक ही फ्लावर लगाया है। रति जी आप फोटो ले चुकी हो। रति जी मुझे नजर नहीं आ रहा है। मेरा ही आ रहा है। रति जी मेरा भी दिखा दीजिए। निशा क्या आंटी नहीं दिख रहा आपको। ईशा नहीं दिख रहा मुझे। नहीं दिख रहा है वो क्या जो टेप है ना वो थोड़ा सा नहीं खुली नहीं है। रति मैम से बोलिए दिखाएगी। मीनाक्षी रति जी मीनाक्षी का दिखाइए। मेरा अच्छा देखिए आज कुछ हुआ ना रोज रेड में दिखा रहा था देखिए। और अभी एक ही फ्लावर लगाया मैंने इसमें अभी और लगा डबल इसको आप अपने हिसाब से कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो आप। मेरा भी दिखा दीजिए। चिपका नहीं है वो स्मॉल ई कैपिटल ओ और एप भी स्मॉल है। इसमें तो और भी फ्लावर लगा सकते हैं हम यहाँ पे। मैं बताती हूँ आपको अभी जरा थोड़ा गीला है ना ये यहाँ पे टेप लगा सकते हैं जैसे हमने उसमें लगाई है टेप और फ्लावर भी चिपका सकते हैं इसमें छोटे छोटे बना के।
नाइस, थैंक यू सो मच उमा जी, थैंक यू सो मच एवरीवन. उमा जी बहुत अच्छा सेशन था, वेरी नाइस. थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा. थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू. ओके उमा जी, थैंक यू, बाय. थैंक यू, बाय. बाय सबको.